नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुपम स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, केक कट भी गया और बट भी गया, मगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं मिलती हूं आपको श्रेयान के ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ। उसको किसने क्या दिया वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं आपको मिलती हूँ गिफ्ट्स के साथ। बलून्स को फुला लिया है सब लोगों ने, और देखिए एकदम से पहाड़ बना दिया है। बलून्स का डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। ये देखिए डेकोरेशन, कितनी प्यारी सी डेकोरेशन शुरू की है। कथा खत्म हो चुका है, मैंने चेंज कर लिया ही। तो क्या दिक्कत है, मैंने चेंज कर लिया क्योंकि साड़ी में काम करते बनेगा ही नहीं, बहुत काम करना है, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अब आप मुझे इस वीडियो में ऐसे ही देखेंगे क्योंकि जेठ जी आए हुए हैं, मैं ऐसे ही आपको दिखूंगी। देखिए यहाँ ये श्रेयान आ गए हैं, बड्डे बॉय आ गए हैं, बिल्कुल भी रह नहीं रहे थे बाहर, गर्मी से ये भी बहुत परेशान थे। अच्छा दे दो। अच्छा ठीक, बाय बाय करना तो बाय कर लो। बाय। अभी सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे आपको। हैप्पी बर्थडे श्रेयान, हैप्पी बर्थडे श्रेयान, है ना, बोलेंगे अभी। कहते इसको, मैं कथा में बैठा था, मैंने रक्षा सूत्र बिंधवाया है, बता दो। पूरे घर में सबका गर्मी से बुरा हाल था। ये देखिए बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं ये, और बहुत ध्यान से देखते हैं जब मैं कुछ भी बोलती हूँ, तो बहुत ध्यान से देखते हैं। ये देखिए गर्मी कितनी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ देखिए सब्जी कटना शुरू हो गया है। कथा ख़त्म हो गई है तो मैंने खाने की तैयारी कर दी थी कि काफ़ी लोगों को, थोड़ा लोगों को मैंने बुला लिया है, इनवाइट किया है शाम के टाइम पे। तो अभी से तैयारी करना मैंने शुरू कर दिया था कि तैयारी करूँगी समय से तो खाना बन जाएगा, और मुझे तैयार भी होना था। तो तैयार क्या होना है, इतनी गर्मी हो रही थी कि बहुत परेशान थी मैं, मतलब हर कोई परेशान था उस गर्मी में। और उसी दिन एसी भी मेरी ख़राब हो गई, तो बहुत दिक्कत हुई उस दिन। जान लीजिए कि होता है कभी कभी, आप जब कोई काम शुरू कर देते हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, तो वैसा ही हुआ था। ये देखिए यहाँ मैं कुछ बोल रही थी लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बाहर का शोर ज़्यादा था। यहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, और यहाँ आटा भी गूंद के रख लिया है। पूड़ियाँ बाद में तलूँगी, पहले फिर सब कुछ बना बना के फिर मैं तैयार होऊंगी, तब बाद में पूड़ियाँ बनाऊँगी। ये देखिए इसमें पनीर की सब्जी मैंने बनाई है, इसमें आप देखिए मैंने भिंडी, मसाला भिंडी बनाई है, और अभी मैं धनिया पत्ती इन सब में नहीं डालूंगी, कुछ देर रुक के डालूंगी जब सर्व करना होगा। और इस कुकर में मैंने पुलाव बना लिया है, और आटा तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने आटा गूंद के रख लिया है दोनों में। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सारा काम हो चुका है, कोई भी काम नहीं बचा है, तो अब बस तैयार होना ही बाकी है। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि मुझे काफ़ी पसीना होता है, गर्मी बहुत थी, तो मेकअप तो मैंने सारा ही कर लिया था लेकिन मेकअप मेरे चेहरे पे दिख नहीं रहा था। यहाँ देखिए ये मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन श्रेयान को बार बार मनाना पड़ रहा था, बाबू कैमरे में देखो, कैमरे में वो देख ही नहीं रहे थे। तो खींच ले फोटो। देखिए हम दोनों तैयार हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों बहुत गर्मी है, घुटन हो रही है मुझे, बस किसी तरीके से जल्दी से केक कट जाए बस। ये भी तैयार हो गए हैं, पहले मैंने इनको दूसरा कपड़ा पहनाया था लेकिन गर्मी की वजह से फिर मुझे हाफ पहनाना पड़ गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। आप मेरे चेहरे पे देख पा रहे हैं मेकअप तो सारा हो गया है, लेकिन मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत थी और श्रेयान दिख नहीं रहे हैं एक जगह पे। यहाँ देखिए अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा के गोदी में आ गए हैं। जब तक फटे नाच पिजामा पकड़ के फटे, तेरी हो गई।
जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे जब तक बच्चे नाच पिजामा पकड़ के बैठे इन्होंने खिला दिया इनको मेरे सर से बार-बार जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे सारे जंगली कंधे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे आज तो बाटी जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे जैसे मैं बोलना शुरू किया वीडियो बनाना शुरू किया ये उठ के बैठ गए। देखिए सारा काजल कैसे फैला लिया है और रोते रहते हैं हमेशा और लोई लोई सी शक्ल बना लेते हैं। अभी हंस रहे हैं अपनी बात पे। इनसे कोई बात कर रहा है क्या? बोलो, बोल दीजिए आप लोग कि इनसे कोई बात नहीं कर रहा है। इनसे कोई बात कर रहा है? बोलिए बाबू, कह दीजिए तो। हाय करिए, हाय हाय करिए, हाय हाय कर। देख लिया होगा आपने सारा वीडियो और इनको ढेर सारे गिफ्ट मिले हैं। ज़्यादा लोग तो आ ही नहीं पाए थे, पहला बर्थडे था। मैं बहुत ही और अच्छे से मनाना चाह रही थी मगर लोग बहुत कम थे कोविड की वजह से। तो जो भी लोग थे, जितने भी लोग आए थे, उन सब ने इनको गिफ्ट दिए हैं और वो गिफ्ट मैं आपको सब आप दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ इस छोटे से टैडी से। देखिए कितना क्यूट सा है ना। ये दिया है श्रेयान की मासी ने, कितना प्यारा सा। देखिए डॉगी है, छोटू सा श्रेयान जैसा। ये इसके साथ खेलते नहीं हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनको क्या मिला है। ये है रे, ये म्यूजिकल ट्रेन है, ये चलती भी है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। तो अगर कहीं भी दीवार वाले से टकरा जाती है तो तुरंत वहाँ से टर्न ले लेती है, वापस आ जाती है। तो बहुत अच्छा, इसके साथ ही खेलते हैं। मैं ये कपड़े इनको मिले हैं इनकी नानी से, यानी नाना के घर से आए, इनके मामा लेके आए हैं। इन्होंने इसको बर्थडे में भी पहना था। बर्थडे में मैंने दूसरा पहले पहनाया था लेकिन हुआ ऐसा कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आप देख चुके होंगे वीडियो में कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और परेशान हो गए थे हम लोग भी। तो ये भी नहीं पहन पा रहे थे, वो कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, मतलब फुल था, इस वजह से भी नहीं पहन पा रहे थे। तो मैंने फिर इसको ये वाला पहनाया था,
इसमें कंफर्टेबल थे। हाँ ये थोड़ा बड़ा है बट मैंने यही पहनाया था। ये इनको इनकी नानी के यहाँ से मिला है और इसके ये मिला है इनको इनके पापा से। देखिए इसके ये ऐसे टाई भी लगी हुई है। यही मैंने इनको बर्थडे के दिन पहनाया था लेकिन गर्मी की वजह से फिर मुझे उतार देना पड़ा। तो ये इनके पापा से इनको मिला है। और इसके बाद ये देखिए कितना प्यारा कलर है ना, मस्टर्ड कलर है। ये जो नीचे आंटी रहती हैं, एक आंटी रहती है नीचे, लैंडलॉर्ड भी है हमारी, तो उन्होंने ये श्रेयान को दिया था। ये देखिए ये ऐसे दिखाती हूँ मैं, ये कितना सुंदर सा कलर है इसका, ये दिया था। जेठानी आई थी तो उन्होंने भी इनको दो कपड़े दिए हैं। और ये है, ये ठंडक वगैरह में, ठंडक में इनको डेली पहनाने में काम आ जाएगा। एक कपड़ा ये है, ये देखिए ऐसे। और एक है पार्टी वियर है, एक अच्छा है काफी, ये देखिए ये एक कपड़ा है। और इसके ये जीन्स पैंट है, बेल्ट वगैरह लगा हुआ, देखिए बेल्ट लगा हुआ है। अभी काफी बड़ा है इनको तो एक साल बाद पहनाने लायक होगा। और इसके साथ इन्होंने एक बनियान दी है। और सबसे बाद में मैं दिखाती हूँ आपको अपना गिफ्ट कि मैंने क्या दिया है। ये देखिए ये हाथी मैंने इनको गिफ्ट किया है, ये मेरा गिफ्ट है और सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसे ये बैठ के इसको चलाते हैं, इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं इसको ऐसे करके, इसको झूले पे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, ये ऐसे झूले पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे झूला बन सकता है, झूला ये झूला बन सकता है ऐसे ऐसे करके। फिर जब हम इसको शिफ्ट करके ऐसे ऐसे करके ये मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, मुझे बहुत पसंद था तो मैंने सोचा था मैं इनके लिए लेके आऊँगी, ये चलाएंगे। ये ऐसे शिफ्ट करने के बाद ये ऐसे चला भी सकते हैं इसको, तो इसे बैठते हैं। बैठिए बाबू, चलिए बैठो, बैठ जाइए। ये देखिए अभी बैठेगी हमारे बेटे, ये बैठ गए हमारे श्रेयान, ये देखिए बैठ गए हैं। चला के दिखा दो सबको, हाथी राजा को चलाइए। इनको बहुत मज़ा आता है इस पर बैठते हैं जब। तो यही सारे गिफ्ट थे फ्रेंड्स, और बस इतना ही मिला है इनको, और काफ़ी मिला है, कम नहीं है इतना भी। और ये बहुत खुश हैं हर एक गिफ्ट को पा के। और तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मैं फिर अच्छी सी ब्लॉग के साथ फिर आपसे मिलने आऊँगी दूसरे ब्लॉग में। ये मेरा बाल पकड़ के खींच रहा है, इसीलिए मेरे बाल की ये हालत हो गई है, देखिए ये हालत हो गई है, बाल बहुत नोचता है मेरे, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।